वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इन्हें रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। कंपनी ने 4 मासिक प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 149 रुपए, 249 रुपए, 299 रुपए और 399 रुपए है। इनमें डेटा, SMS और कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। वोडाफोन आइडिया के अलावा एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान्स को महंगा कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के नए प्लान्स 149 रुपए, 249 रुपए, 299 रुपए और 399 रुपए के प्लान्स में यूजर्स को डेटा, SMS और कॉलिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इनके अलावा 84 दिनों की वैधता के साथ 379 रुपए, 599 रुपए और 699 रुपए के प्लान पेश किए हैं। वहीं 2 वार्षिक अनलिमिटेड पैक्स भी पेश किए हैं। इनकी कीमत 1499 रुपए और 2399 रुपए है। साथ ही शॉर्ट टर्म रिचार्ज ऑप्शन के तौर पर भी पैक्स पेश किए गए हैं। 19 रुपए के प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वोडाफोन आइडिया टू वोडाफोन आइडिया कॉल, 150 MB डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। इसकी वैधता 2 दिन की है। वहीं 2 कॉम्बो वाउचर्स भी उपलब्ध है जिनकी कीमत 49 रुपए और 79 रुपए है। 49 रुपए के प्लान में यूजर्स को 38 रुपए का टॉक टाइम, 100 MB डाटा, 2.5 पैसा प्रति सेकेंड टैरिफ चार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 79 रुपए के प्लान में यूजर्स को 64 रुपए का टॉक टाइम, 200 MB डाटा और 1 पैसा प्रति सेकेंड टैरिफ चार्ज की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही नए फर्स्ट रिचार्ज ऑप्शन भी दिए गए हैं। इनकी कीमत 97 रुपए, 197 रुपए, 297 रुपए और 647 रुपए है। इनके बेनिफिट्स भी अलग अलग हैं। आपको बता दें कि किसी भी प्लान में ऑफ नेट कॉलिंग FUP खत्म होने के बाद 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क लिया जाएगा। नए टैरिफ्स को रिचार्ज कराने के लिए यूजर्स माई वोडाफोन और माई आइडिया ऐप के अलावा वोडाफोन और आइडिया वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट 9 टेक से श्रुतिक रिपोर्ट।